गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज़ महेश फ्राम शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल गतौली आई एम हेयर टू हेल्प यू विद सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रेड फोर वट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज फॉर द चैप्टर थ्री नेम इज़ द फिशरमैन एंड हिज वाइफ वी हैड डिसकस द एक्सरसाइज सो फार एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द कंसेप्ट कनेक्शन आज हम पार्ट तीन में कंसेप्ट कनेक्शन जो है पेज नंबर फोर्टी फोर से जो शुरू होता है इसको डिस्कस करेंगे समझने की कोशिश करेंगे ये आपके ग्रामर का पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का इसमें टॉपिक आता है सिनोनिम एन एंटोनिम वो हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम होते हैं विपरीतार्थक शब्द हिंदी में जिन्हें आप पढ़ते हैं विपरीतार्थक वो हैं ये यानी ऐसे शब्द जिनका मतलब पहले शब्द के मुकाबले उल्टा हो जैसे अच्छे का बुरा सो गुड एविल ओके गुड एविल या गुड बैड सो गुड इज़ अच्छा एविल या बैड इज़ बुरा तो so, ये होते हैं ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं एंटोनिम ए एन टी ओ एन वाई एम एंटोनिम की प्लूरल फॉर्म हो गई एंटोनिम्स ओके सो ये होते हैं एंटोनिम्स वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स ये डेफिनेशन है आपको याद करनी है ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे से उल्टे होते हैं ऑपोजिट इन मीनिंग मीनिंग का मतलब अर्थ जिन शब्दों के अर्थ अब एक दूसरे से उल्टे होते हैं उन्हें हम एंटोनिम कहते हैं एग्जाम्पल क्या दिया बुक में आपको रफ स्मूद रफ का मतलब क्या होता है खुरदरा जिसकी सतह जो है वो चिकनी ना हो वो होता है खुरदरा रफ सरफेस स्मूद मतलब चिकना जिसकी सरफेस चिकनी हो तो ये आपकी एग्जांपल है इनको एक सेंटेंस में यूज़ करके दिखाया गया है द बार्क ऑफ द ओल्ड ट्री वॉज रफ जो बूढ़े पेड़ की छाल बार्क होता है छाल पेड़ की भी छाल होती है ना जो सूख जाती है तो पपड़ी बन के गिरने लगती है उसे हम जलाते हैं तो बार्क ऑफ द ओल्ड ट्री वॉज रफ बूढ़े पेड़ की छाल जो है वो रफ़ है उसकी सतह खुरदरी है वी फाउंड मैनी स्मूद रॉक्स इन द रिवर वी फाउंड हमें मिले मैनी स्मूद रॉक्स बहुत सारे चिकने पत्थर इन द रिवर जब आप किसी नदी के पास जाते हैं या समुद्र तट पे जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारे रॉक्स ऐसे दिखते हैं जो पानी के कटाव की वजह से लगातार पानी बहने की वजह से स्मूद हो चुकी हैं चिकनी हो चुकी हैं तो ये रफ और स्मूद को सेंटेंस में यूज़ करके दिखाया गया है Now, formation of antonyms, अगर आपको विपरीतार्थक शब्द बनाने हैं किसी शब्द के लिए तो वो कैसे बनाते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं ऐसे अक्षर किसी शब्द के आगे जुड़ के एक नया मतलब दे देते हैं सफिक्स होते हैं जो बाद में जुड़ के उसको एक नया अर्थ दे, दे देते हैं एंटोनिम विद प्रीफिक्सिस एडिंग आई एल कुछ ऐसे हैं एंटोनिम बना सकते हो आप जिसमें किसी शब्द से एंटोनिम बनाना है उसका तो क्या करते हैं हम केवल प्रीफिक्स आई एल जोड़ देते हैं जैसे लीगल इ लीगल एल ई जी एल लीगल होता है जो कानून के हिसाब से आप परमिटेड है ओके कानून के हिसाब से सही चीज़ है उसे कहते हैं लीगल इलीगल जो कानून के विरोध में है ठीक है जो गैर कानूनी है कानूनन जो सही है उसे कहते हैं लीगल गैर कानूनी इ तो इ कैसे बना एल ई जी ई एल लीगल के आगे आई एल जोड़ दिया तो ये इ बन गया तो ये इसका एंटोनिम है तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है इसके थ्रू आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है ए पेयर ऑफ एंटोनिम्स का तो एंटोनिम क्या बने लीगल एक वर्ड था इसका एंटोनिम आपने क्या बनाया आई एल आगे जोड़ दिया और बाकी इल, ये पुराना वर्ड वापस लिख दिया तो ये नया वर्ड बन गया लीगल से क्या बन गया इ लीगल कानूनन सही इलीगल गैर कानूनी ओके okay, ऐसे ही एक और चीज है आईआर जोड़ देते हैं आप शुरुआत में तो इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए आर ई एस पी ओ एन एस आई बीली रिस्पांसिबल रिस्पांसिबल होता है जिम्मेदार इररिस्पांसिबल गैर जिम्मेदार जो जिम्मेदार ना हो तो इसमें हमने क्या किया आगे आईआर जोड़ दिया इर रिस्पांसिबल का एंटोनियम क्या बन गया इररिस्पांसिबल एक है एडिंग एफ यू एल ये अब सफिक्स है हमने ये तरीके क्या देखे थे जिसमें प्रीफिक्स है शब्द शुरू होने से पहले आपने ये जोड़े थे शुरुआत में आई एल और आई आर जोड़ा अब है सफिक्स शब्द के अंत में कुछ जोड़ के तो उसमें क्या है जैसे एक एग्जाम्पल दिया है एफ यू एल जोड़ के भी बन जाता है जैसे थाट फुल ओके सो एडिंग एफ यू एल एंड देन एडिंग एल ई एस तो क्या है जैसे कोई वर्ड से आपको उसका एंटोनिम बनाना है तो क्या होता है कुछ शब्द जैसे फुल और लेस क्या होता है फुल मतलब किसी चीज़ से परिपूर्ण लेस मतलब जिसमें उस चीज़ की कमी हो तो थॉट में फुल लगा दिया तो थॉटफुल यानी आपने उस चीज़ सोच समझ के की, की है थॉट में लेस लगा दिया पीछे तो थॉटलेस मतलब आपने बिना सोचे कुछ चीज़ की है तो ये एक दूसरे के एंटोनी में है थॉटफुल और थॉटलेस तो ऐसे आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं हार्मफुल यानी जिसमें किसी प्रकार का हानि हो सकती है हार्मफुल हानि से भरा हुआ हार्मलेस जिसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती फेथफुल और फेथलेस फेथफुल मतलब जिस जो भरोसेमंद है विश्वसनीय है फेथलेस जिसमें भरोसा नहीं है पेनफुल जिसमें दर्द भरा हुआ है पेनलेस जिसके अंदर दर्द नहीं है तो ये सब क्या है पेयर ऑफ एंटोनिम्स हैं और ये आपको याद करने हैं ये सारे जो इसमें एंटोनिम्स दिए हुए हैं ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं स्पेलिंग के साथ हार्मफुल हार्मलेस ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं ऐसे ही ये भी जो एग्जाम्पल दिए हुए थे ये भी करने हैं रैशनल इर रैशनल रेलेवेंट इलेवेंट लेजिबल इलेजिबल इनके भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ रैशनल होता है तर्क संगत यानी किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है इ तर्कहीन यानी जिसका कोई रीज़न नहीं है रेलेवेंट मतलब जो सही है उचित है इरेलीवेंट जो उचित नहीं है या जिसका वहाँ पे कोई मैटर रेलिवेंट नहीं है उसे हम इलेवेंट कह देते हैं लेजिबल जो पढ़ने योग्य है जिसे पढ़ा जा सके इलेजिबल जिसे पढ़ा नहीं जा सकता तो ये आपने पढ़ा एंटोनिम्स अब हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची ये आप हिंदी में पढ़ते हैं जो ऐसे शब्द जिनका अर्थ सेम है ठीक है जैसे पानी जल पानी मतलब वाटर जल का भी मतलब वही होता है तो पानी और जल क्या है एक दूसरे के लिए सिनोनिम है पर्यायवाची शब्द वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है उन्हें हम सिनोनिम कहते हैं इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे ट्राई अटैम्प्ट ट्राई करने का मतलब भी होता है कोशिश करना अटैम्प्ट करना का भी मतलब होता है कोशिश करना बिल्ड का मतलब बनाना कंस्ट्रक्ट का भी मतलब बनाना सिटी का मतलब शहर टाउन का मतलब भी शहर emperor का मतलब राजा किंग का भी मतलब राजा तो ये सब ऐसे ही हैं जिनके सब के मीनिंग सेम है मिनिमम सबसे कम यानी कम से कम लीस्ट का भी मतलब कम से कम होता है टॉक बात करना कन्वर्स यानी बातचीत करना एनअ काफ़ी सफिशेंट का भी मतलब वही होता है काफ़ी लुक देखना ग्लांस मतलब झलक यानी देखना वो भी सेम ही होता है अलाओ यानी आज्ञा देना परमिशन देना परमिट यानी आज्ञा देना ज्वाइन जुड़ जाना यूनाइट जुड़ जाना ट्रस्ट विश्वास बिलीव मतलब विश्वास करना आस्क पूछना इंक्वायर का भी मतलब पूछना तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनका सेम मीनिंग निकलता है ये जोड़े ऐसे हैं ट्राई और ये जोड़ा बन गया ना पेयर

सिनोनिम्स ऑफ नाउन्स नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स हेल्प टू मेक आर राइटिंग इंटरेस्टिंग सो दैट वी डू नॉट नीड टू यूज द वर्ड्स अगेन एंड अगेन सिनोनिम हमारी हेल्प करते हैं अच्छा लिखने में क्या है अगर आपको एक ही चीज़ को बार बार व्यक्त करना है तो अगर बार बार एक ही पैराग्राफ में आप सेम वर्ड यूज़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता अगर उसकी जगह आपको उसको सिनोनिम्स आते हैं तो हम क्या करेंगे उसकी जगह सिनोनिम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल देखिए द स्टूडेंट स्लैश पीपल वो स्टडिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन ये स्टूडेंट और पी के बीच में स्लैश क्यों लगाया है? मतलब ये दोनों क्या है सुनोनेम है इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो आप स्टूडेंट का मतलब भी विद्यार्थी होता है पी का मतलब भी विद्यार्थी होता है द वुमेन स्लैश लेडी वुमेन मतलब औरत लेडी का मतलब औरत स्ट्रगल टू क्रॉस द रोड विद लॉट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स इन हर हैंड वो औरत सड़क पार करने में बहुत तकलीफ हो रही थी उसे क्योंकि उसके पास बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे उसके हाथ में द रूफ स्लैश

द कुक विल प्रिपेयर डिनर कुक जो है खाना बनाने वाला जो बावर्ची है वो खाना प्रिपेयर करेगा या मेक डिनर ये दोनों की में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो प्रिपेयर भी यूज कर सकते हो मेक भी तो ये आपको था एंटोनियम औरम कैसे बनाते हैं वर्ड में यूज़ कैसे करते हैं अब इन्हीं के आपको एक्सरसाइज दी है इसको अलग से हमने फोटो क्लिक करके आपको भेजा है एक फाइल में कैसे इनको बनाना है ये आपको लिखा है रिलेवेंट का एंटोनिम बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसके आगे आई आर लगा के बन जाएगा इ और क्या लिखा है आपको कि एक सेंटेंस में आपको इसको यूज करके दिखाना है तो हमें दोनों वर्ड्स को यूज करना है हमने क्या सेंटेंस बनाया है प्लीज़ गिव मी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कृपया करके मुझे रेलेवेंट सही जानकारी जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई सही जानकारी है वो दें रेलिवेंट होता है किसी चीज़ से जुड़ी हुई सही जानकारी वट यू आर टेलिंग मी इज़ इरिलेवेंट जो आप मुझे बता रहे हैं वो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है लेजिबल इलेजिबल लेजिबल के आगे आई एल लगा दिया तो इलिजिबल बन गया एलेजिबल मतलब जिसे पढ़ा जा सके इलेजिबल जिसको पढ़ा नहीं जा सकता शी हैज़ टू राइट अ हैंड राइटिंग पेज एवरी डे उसे हर रोज एक पेज लिखना है ताकि उसकी हैंड राइटिंग शुरू हो सके सही हो सके सो दैट हर इलेजिबल हैंड राइटिंग कैन बिकम लेजिबल ताकि उसकी जो पढ़ी नहीं जा सकती ऐसी लिखाई सुधर के पढ़ी जा सकने वाली लिखाई बन जाए रैशनल इ इसमें भी हमने क्या किया आई आर जोड़ दिया रैशनल तर्क संगत इशनल जिसका कोई तर्क नहीं है जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो तो रैशनल होता है लॉजिकल इ होता है इलॉजिकल जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो दैट इज़ इेशनल सो रैशनल द वे यू आर स्पेंडिंग मनी शोज इ बिहेवियर ऑफ आप जिस प्रकार से खाना खाने की चीज़ें खरीदने का खर्च कर रहे हो वो दिखाता है कि आपका जो बिहेवियर है वो इ है मतलब ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं रेगुलर इररेगुलर रेगुलर का मतलब क्या होता है नियमित रूप से इरेगुलर अनियमित रूप से जो नियमित नहीं है हर पेरेंट्स वर स्टंड टू हेयर दैट शी हैड बीन इेगुलर टू कॉलेज उसके माता पिता यह सुन के दंग रह गए कि वह कॉलेज में नियमित रूप से नहीं जाती वाइल दे थाट शी वॉज ऑलवेज रेगुलर जबकि उन्हें लगता था कि वो तो हमेशा रेगुलरली जाती है कॉलेज नाउ नेक्स्ट इज आपको जो दिए गए यहाँ पे बोल्ड बोल्ड में मोटे मोटे अक्षरों में जो लिखे हैं ना इनके आपको क्या बनाने हैं सिनोनिम्स बनाने हैं तो सिनोनिम हमने यहाँ पे लिख भी दिए हैं आपको अलग से और इनको फिर से इसमें सेंटेंस में बनाना था वो आप खुद करेंगे हमने यहाँ सिनोनिम बता के लिख दिए हैं परचेज मतलब खरीदा बॉट का भी मतलब खरीदा होता है तो परचेज का सिनोनिम यानी पर्याय वची क्या हो गया बॉट फिर क्या है फार फार का क्या हो गया डिस्टेंट फार मतलब दूर डिस्टेंट का भी मतलब दूर सेंटर मतलब बीच में मध्य में मिडल का भी मतलब बीच में लकीली मतलब किस्मत से खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली का भी मतलब वही होता है खुशकिस्मती से काम सी एल एम काम का मतलब पीसफुल यानी शांतिपूर्वक क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला उसका हमने क्या बना दिया इन्होंने कंजेस्टेड वो भी भीड़ भाड़ वाला होता है सी ओ एन जी ई एस टी ई डी ना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है एंटोनिम्स बताने हैं जो ये मोटे मोटे एक्शन है ना बोल्ड में जो लिखे हुए हैं इनके एंटोनिम बताने हैं तो एवरी यानी सभी नो no मतलब कोई भी नहीं ब्यूटीफुल मतलब सुंदर अगली मतलब बदसूरत तो ये हमने यहाँ लिखे हैं और इनके आपको फोटो भी भेजे हैं तो ये आपको पेंसिल से आपकी बुक में लिखने हैं एवरीथिंग मतलब सब सब चीज़ें नथिंग मतलब कुछ भी नहीं ब्यूटीफुली बहुत सुंदरता से पुअरली मतलब बहुत ख़राब तरीके से वो उसका एंटोनिम हो जाता है आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ से इनसाइड मतलब अंदर की तरफ से ये एक दूसरे के से मतलब में उल्टे हैं लिटल का मतलब छोटा और बिग का मतलब बड़ा ये एंटोनिम्स हो गए आपके तो so, इस प्रकार आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाती है फॉर चैप्टर नंबर थ्री आपका होमवर्क क्या है जैसा मैंने अभी आपको बताया पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन याद करनी है एंटोनिम की डेफिनेशन याद करेंगे उसके एग्जाम्पल्स जो यहाँ बुक में दिए हैं उन सबको स्पेलिंग के साथ याद करेंगे सेम गोज़ फॉर सिनोनिम्स ऑल्सो एंटोनिम के यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सब आपको विद स्पेलिंग एंड मीनिंग याद करने हैं सिनोनिम्स यहाँ आपको जो सिनोनिम्स दिए हैं ये सारे सिनोनिम आपको स्पेलिंग के साथ याद करने हैं सिनोनिम की डेफिनेशन आपको याद करनी है ये आपको फेयर नोटबुक में लिखनी भी है डेफिनेशन ओके okay? उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ जो प्रैक्टिस जोन टू के सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमने आपको फोटो क्लिक करके भेजा है ये पेंसिल से साफ साफ हैंड में आपको आपकी बुक में लिखने हैं और उसके बाद पेन से आपकी नोटबुक में लिखने हैं ओके okay? आई होप आपको ये सब समझ में आया है प्लीज़ इनको याद करिए डेफिनेशन को भी और इन वर्ड्स को भी आप याद करेंगे तभी आपको आगे यूज़ कर पाओगे आप इनको रैशनल क्या होता है उसका एंटोनिम क्या होता है इरेशनल ये आपको याद करना है ओके सो आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल रही होगी प्लीज़ कंप्लीट दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर प्लीज़ कंटिन्यू स्टार्टिंग डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड स्टे सेफ थैंक यू